जी रेखा कहते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका SNI में। रद्दी हटाओ, हरियाली लेके आओ, APG स्कूल में आज जो आप कार्यक्रम करा रही हैं, इसका क्या मैसेज देंगे, आप क्या कहेंगे? इसका मैसेज जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि स्मॉग के कारण से कितना नुकसान हो रहा था बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, और यही चीज़ है। और APG विद्यालय हमेशा कोई भी कार्यक्रम हो सबसे बढ़कर उसमें कार्यक्रम लेता है, भाग लेता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारा हर वर्ष एक पौधा एक बच्चा संभालता है। इसके लिए फिर हमने जब स्मॉग को देखते हुए देखा कि बच्चों में और लोगों में ये जागरूकता फैलानी बहुत ज़रूरी है कि हरियाली कितनी आवश्यक है हमारे बच्चों के लिए और भविष्य में हम उन्हें क्या देके जा रहे हैं। तो एक छोटी सी सोच है कि यहाँ पर रद्दी जो कि आमतौर पे इंसान जो है फेंक दी जाती है, मूल्य नहीं समझता है, तो इस मूल्य रहित चीज़ को मूल्यवान बनाने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है कि कोई भी व्यक्ति आए और इसका संभाल के ध्यान रखे। और बच्चे ही हमारे भविष्य हैं, बच्चों में ही ये जागरूकता लाना जरूरी है। और विद्यालय ही एक अच्छी सोच के साथ आगे कोई ना कोई कार्यक्रम करता रहेगा। और आपने देखा भी होगा कि APJ विद्यालय कोई भी कार्यक्रम हो, 3 साल से टाइम्स ऑफ इंडिया में और एक मैगजीन है हमारी, उसमें भी हम नंबर 1 ही रहे हैं। और यही सोच लेते हुए, क्योंकि हमें जो भी कार्य करना होता है बच्चों के भविष्य के लिए करना होता है, ताकि आने वाले समय में वो एक नई सोच के आगे आकर के और एक अच्छे नागरिक बन सकें। और अपने अब जो जैसे आज रद्दी आएगी हमारे लिए, और उसके लिए हम एक प्लांट बच्चों जो भी आएगा इंसान या अपने बच्चों को हम देंगे, उसके बाद इस रद्दी को फिर से बेच देंगे और उससे जो पैसे आएंगे हम उसमें लेकर के फिर से भी दोबारा से ये हमारा अभियान चलता रहेगा।